सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी बंसल क्लासेस। सो आज हमारे साथ है हर्षिता। हर फुल नेम इज हर्षिता सेन। सो सबसे पहले हर्षिता, आपको कंग्रेचुलेशन कि यू आर गेटिंग 641 आउट ऑफ 720। सो हर्षिता हमारी बंसल क्लासेस की स्टूडेंट है, इन्होंने यहाँ पर ही स्टडीज़ की है। सो आज हर्षिता से बात करने का मोटो ये है ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके कि हर्षिता ने जो ये बहुत लंबा सा सफ़र तय किया है, जिसमें जिसका फ्रूट अब हर्षिता को मिला है, अब हर्षिता डॉक्टर हर्षिता कहलाएंगी कुछ साल बाद, तो ये सफ़र में किस किस ने कितनी मदद की, कौन कितना मददगार साबित हुआ, हर्षिता का बैकग्राउंड कैसा रहा, उस बारे में आज आप सबको रूबरू करवाएंगे। तो हर्षिता, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द रिज़ल्ट, और मैं चाहूँगी आप हमारे सारे स्टूडेंट्स को सबसे पहले ये बताइए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपकी स्कूलिंग कहाँ से रही है, और उसके बाद का जर्नी कैसा रहा। सो आई एम बेसिकली फ्रॉम जयपुर, एंड स्कूलिंग मेरी जयपुर में जयश्री परिवार हाई स्कूल है, वहाँ से हुआ है 11th and 12th, एंड उसके बाद में फिर मैं कोटा आई अपनी प्रिपरेशन के लिए नीट। ओके, आपका 10th का रिजल्ट कैसा था? आई सिक्योर्ड 97%। सो हर्षिता के 10th के अंदर भी बहुत अच्छे मार्क्स थे। 12th का रिजल्ट कैसा था हर्षिता आपका? 90%। तो 12th आपने कोटा से किया है? नहीं, ओके, तो आप कोटा कब आए? कोटा में 12th के बाद, फिर इट टुक मी 2 drops टू क्लियर नीट। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें क्या करना होता है, सिर्फ हार्डवर्क करना होता है, करेक्ट है? तो हर्षिता सबको यही बताना चाहेंगी कि ऐसा नहीं है कि 12th के साथ हमारा नीट नहीं निकला तो हम आगे चल के और मेहनत नहीं करेंगे। हम ड्रॉप लेने से सबको डर लगता है कि हो सकता है हम ना कर पाएँ, तो हर्षिता मैं वही बताना सबको मैं चाहती हूँ कि आप ये बताएं कि ड्रॉप 12th कंप्लीट करने के बाद क्या क्या हर्डल्स आए, और आपने उन हर्डल्स को कैसे फेस किया और कैसे ओवरकम किया? मैम, हर्डल्स तो बहुत आए। एक तो खुद पे सेल्फ बिलीफ होता है वो बहुत कम हो जाता है, अगर मतलब आपके साथ के फ्रेंड्स सब कॉलेज चले गए एंड आपको फिर से ड्रॉप लेना पड़ रहा है, फिर दोबारा लेना पड़ रहा है। बट टीचर्स मुझे बहुत अच्छे मिले एंड उनके सपोर्ट से बहुत ईजी हो गई जर्नी। करेक्ट। और आपने स्ट्रैटेजी क्या रखी 12th के बाद? 12th तक तो बोर्ड रहता है, तो हमें कुछ अपने आप को डिवाइड करके चलना होता है, थोड़ा नीट के लिए थोड़ा बोर्ड के लिए। 12th के बाद आपने जब स्टडीज़ की, तो उसमें आपने क्या फॉर्मेट चेंज किया जिसकी वजह से आपके लिए वो चीज़ें ईजी होती गई? मैम, तो टाइम मैनेजमेंट पहले ऐसे होता था, टाइम का नहीं पता लगता था, तो टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर शेड्यूल बना के क्लासेस पूरे करना, कोई स्किप नहीं करनी, ये सब, और टीचर्स जो बोर्ड है फॉलो करना। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरा पर्सनली काफ़ी वीक था, तो टीचर थे मेरे शेषमणि मिश्रा सर, तो ही हेल्प मी अलॉट, मतलब बहुत उन्होंने डाउट्स बताए, कभी भी कॉल करो हमेशा क्लियर करें। एंड बंसल क्लासेस में थी मैं, तो वहाँ पे भी सारे टीचर्स का बहुत पूरा सपोर्ट था, डाउट्स वगैरह सब क्लियर हो जाते थे। एंड हर्षिता, लाइक एक स्टूडेंट की लाइफ में टीचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट साथ ही साथ पेरेंट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो पेरेंट्स की तरफ से आपको कैसा सपोर्ट मिला? हाँ, पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट था, लाइक मम्मी टाइम टू टाइम विजिट करती थी, खाने पीने का पूरा ध्यान, और अकेले ना। ओके, तो कॉल पे भी अगर कभी भी लो फील हो रहा है तो पूरा सपोर्ट फोन पे। ओके, छोटे भाई बहन हैं आपके? हाँ। कितने? एक भाई है छोटा, 12th में। वो भी मेडिकल की तैयारी कर रहा है? नहीं, उसका इंटरेस्ट मैथ्स में ज़्यादा है ना, और हमारे पास तो बंसल क्लासेस पे दोनों अवेलेबल है, करेक्ट है? चलिए, सो पॉइंट ये हर्षिता कि टीचर्स ने लाइक आपको बहुत हेल्प किया, जैसे कि आपने बोला, तो लाइक डाउट काउंटर्स, लाइक हम जो बंसल क्लासेस में लाइक एक ऑरा लेकर चलते हैं कि 1-to-1 कनेक्शन, जैसे आपने शेषमणि सर के लिए, सब ही जानते हैं सर कितना अच्छा पढ़ाते हैं, आप भी यहाँ पे वही बता रहे हो। Yes, तो डाउट काउंटर्स को लेकर या फिर टीचर से डायरेक्ट 1-by-1 लेकर आपको कितना बेनिफिट मिला आपके डाउट्स को सॉल्व करने के लिए? डाउट क्लियरेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हम पढ़ते जाते हैं, डाउट्स ही क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो फिर एग्जाम में वहीं पर हम जाके हम लोग मतलब मार्क्स लूज करते हैं, तो डाउट्स ये मुझे मतलब बहुत हेल्प मिली है कोचिंग से, सारे टीचर्स ने कभी मना भी नहीं किया, एंड टाइम जब भी मांगा दे ऑलवेज गिव देयर टाइम। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहा, NCERT से पढ़ना या फिर आउट सिलेबस से बहुत कुछ पढ़ना? NCERT फॉर श्योर, लाइक मैंने NCERT पढ़ी। लाइक स्टूडेंट अभी, मैं आपसे क्वेश्चन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि स्टूडेंट अभी करंटली कन्फ्यूज रहते हैं कि हमें NCERT पढ़नी है या फिर बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने, तो टीचर्स तो हमेशा कोशिश करते हैं बोलने के लिए कि अकॉर्डिंग टू दी सिलेबस पढ़ना होता है, क्योंकि बहुत कुछ आप मेडिकल एंट्रेंस पास करने के बाद मेडिकल में जाकर पढ़ोगे। तो लाइक हम बायो की जब बात करते हैं तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन,
आप अभी फिर पढ़ोगे, बट जब एग्ज़ाम क्रैक करने की बात आती है तो हमें क्वेश्चंस को टारगेट करना होता है, तो इसका मतलब हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी उतना ही बनता है। तो एज पर स्मार्ट वर्क के लिए आप बच्चों को क्या बताना चाहोगे? मैम आई वुड से कि क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए थ्योरी के कंपैरिजन में, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन ही करने इन द एंड, तो उसी पे ही ज़्यादा प्रैक्टिस हमारी होनी चाहिए। तो बंसल क्लासेस में मुझे क्वेश्चन बैंक भी बहुत अच्छा प्रोवाइड किया गया था, टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छे थे उसमें, मतलब सारे क्वेश्चंस जैसे मैं एग्ज़ाम में बैठी थी तो ऐसे नहीं लग रहा था कि कुछ नया पूछा है, तो इट वॉज हेल्पफुल। ग्रेट। ओके, टोटल स्टडी आवर्स कितना रहता था? 9 to 10 hours फिर लास्ट में ऑब्वियसली बहुत बढ़ गया था। करेक्ट है। और मॉक टेस्ट वगैरह भी आपने अटेम्प्ट किए थे? हाँ। मतलब क्वेश्चंस के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान रखा था। हाँ। चलिए, और कोई लास्ट पॉइंट आप बताना चाहें सबको अपनी तरफ से कि ये करना चाहिए जिससे आप फॉर श्योर मेरे तरह क्रैक कर पाओगे एग्जाम को, है ना, अपने ड्रीम तक पहुँचने के लिए सबको क्या बताना चाहोगे? मैम आई वुड से कि सबको एक सेल्फ बिलीफ होना चाहिए एंड कंसिस्टेंटली मतलब हार्डवर्क करना चाहिए, रोज़ पढ़ो बस, ये रोज़ पढ़ना चाहिए बस। ओके, सो दैट वॉज हर्षिता विद अस एज शी एक्सप्लेन एवरीथिंग टू ऑल ऑफ अस कि किस तरह से हर्षिता ने प्रैक्टिस किया, किस तरह से अपने फियर को ओवरकम किया, कैसे जो वीक सब्जेक्ट्स थे उनके अंदर टीचर्स की हेल्प लेकर अपना सेल्फ वर्क करके, हार्डवर्क एंड स्मार्ट वर्क दोनों को करके आज हर्षिता इज देयर विद अस विद दिस रिजल्ट। सो थैंक यू एवरीवन फॉर कनेक्टिंग विद अस। Let's see and meet with the others' toppers as well.